हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही कुशल मंगल में होंगे, बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी बहुत ही ठीक हूँ और मेरा नाम है संजीत भारद्वाज। तो गाइस, आज की वीडियो भी बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं इतने टाइम बाद मतलब वीडियो डाली है तो सबके कमेंट आ रहे हैं कि यार आप रोज़ क्यों नहीं डाल रहे हो वीडियो और इतने दिनों बाद क्यों वीडियो डाल रहे हो। तो थैंक यू आपने इतना मेरा ख्याल रखने के लिए। तो ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखना और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कि रोज़ कंटिन्यू वीडियो डाल सकूँ। तो आज की वीडियो भी बहुत ही अच्छी होने वाली है और आज का जो वीडियो का जो टाइटल है, अर्बन ढाका सिटी 2022। तो ढाका की वीडियोस हो वैसे भी बहुत ही अच्छी होती हैं, तो आप मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहना। और कोई भी अगर आपको इसमें इंफॉर्मेशन दिखती है और मुझे नहीं दिखती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना, ज़रूर से ज़रूर करना और मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बगल में ही बेल आइकन का निशान है उस पर प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर मिल सके। मैंने इतना आज सारा जरूर जरूर लगा दिया है। तो लेट स्टार्ट। स्टार्टिंग यार बहुत ही जबरदस्त है। ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना नीट एंड क्लीन। कितनी चौड़ी चौड़ी रोडे हैं और मतलब ढाका की तो वैसे भी यार हर जगह तारीफ होती है बांग्लादेश में। ऑसम यार, देख लो साइड में यार बिल्डिंग देखो यार। फुल स्पीड में ये वीडियो बनी है, बहुत ही मुझे लग रहा है कि वीडियो बनाते वक्त पुणे कितना अच्छा लग रहा होगा, कितने अच्छे अच्छे मतलब कैप्चर हुए हैं इसमें, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। ये फ्लाई ओवर भी बहुत ही कलरफुल है।
क्रॉसिंग क्रॉसिंग क्या था? मतलब यार अभी शुरू से लेकर अभी तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन वीडियोस दिखी है यार, और बिल्कुल कलरफुल वीडियो दिखी है। अब मैं खो गई हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आकाश मैं बैठी होती इस वीडियो बनाने के लिए। यार कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। वैसे तो मैंने ढाका के बारे में बहुत सुना है, कि बताऊंगी मैं भी वीडियो के एंड के बारे में, मतलब एंड पर।
पर वीडियो होती है ख़त्म, और बहुत ही अच्छी लग रही थी वीडियो यार। मतलब कि स्टार्टिंग से ही इतना नीट एंड क्लीन सब कुछ दिखाई दे रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि सच में ढाका तो सच में घूमने लायक जगह है। और लेकिन हाँ, जो मैं कह रही थी ना बीच में कि बहुत से लोग कमेंट आए थे मुझे एक ढाका की वीडियो पे कि क्या ढाका ढाका कर रहे हो, ढाका तो इतनी क्राउड है, इतनी भीड़ भाड़ जगह वाली है ये, और कोई ज़्यादा कोई यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, मुझे ऐसा कमेंट आया था। तो मैं कुछ रिप्लाई नहीं दे पाई क्योंकि मुझे एक दो ही कमेंट आए, तो फिर मुझे लगा कि हाँ शायद होगा। लेकिन वीडियोस तो यार इतनी मतलब नीट एंड क्लीन आपने भी देखा, और बिल्डिंग्स वगैरह यार बिल्कुल कलरफुल जिनसे निगाहें नहीं हट सकती, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था यार कि काश मैं हुआ बैठी होती, मैं वीडियो शूट कर रही होती, मतलब यार कितना अच्छा लग रहा होगा। और ये टाइम अगर इवनिंग का होता, या मुझे लगता है कि शायद दोपहर का टाइम है तो इवनिंग का होता, और या फिर मॉर्निंग का होता, तो यार कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी फिर यार, तुम आप गाड़ी में ही बैठ के इतने अच्छे नज़ारे ले सकते हो। तो यार मुझे तो ऐसा लगता है कि ढाका यार सच में बहुत खूबसूरत है, जैसा कि वो कैपिटल है। तो वो तो आप मुझे फिर से कमेंट करके बताएंगे कि सच में क्या, मतलब जो आए थे मुझे कमेंट वो सच हैं या फिर झूठ है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी वीडियो, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और भी किसी वीडियो पे अगर रिएक्शन चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसका भी रिएक्शन कुछ दिनों बाद ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।